अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल्ला सईद और आप देख रहे हैं एयर 100.p के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं SPA की LB600 का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी की पूरी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आपको बताएँगे। इसके लिए स्कोप कौन सी अच्छी है, इसके लिए पैड्स कौन से अच्छे हैं, आप कितने यार्ड तक इससे हंटिंग कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर लें। तो चलो दोस्तों अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसके मैकेनिज्म की। तो दोस्तों ये ब्रेक बैरल है। इसके कैलिबर्स की बात की जाए तो दोस्तों ये दो कैलिबर्स में आती है, 0.22, 0.177। पाकिस्तान में ज़्यादातर 0.22 यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों ये 0.22 में अवेलेबल है पाकिस्तान में, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसके बाद इसके स्टॉक की बात करें, दोस्तों इसका स्टॉक सिंथेटिक का है, कलर इसका ब्लैक है, टोटल इसकी लेंथ 1090 mm है। इसके अलावा इसकी बैरल की लेंथ की बात की जाए दोस्तों, 480 mm इसकी बैरल की लेंथ है। दोस्तों रियर साइड फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड में आपको रेड डॉट, रियर साइड में आपको दो ग्रीन डॉट्स मिल जाएंगे, जो कि ओपन साइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। ट्रिगर की बात की जाए तो दोस्तों जो इसका ट्रिगर है वो मेटल का बना हुआ है और थोड़ा बहुत हार्ड भी है। इसके अलावा इसका जो सेफ्टी लॉक है वो भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके माउंटिंग रेल की, तो दोस्तों 11 mm की आपको इसके ऊपर माउंटिंग रेल मिल जाएगी। टोटल वेट की बात की जाए दोस्तों, इसका टोटल वेट 2.8 kg है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके रबर बैट पैड की, दोस्तों रबर बैट पैड काफ़ी हार्ड है इसका। इसके बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें दोस्तों, इसकी जो वेलोसिटी है वो 420 FPS, जो कि आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, इसके बॉक्स पर भी मेंशन मिल जाएगी। मगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो दोस्तों आपको ये अरानी जेट्स पर तकरीबन 400 से 410 FPS दे सकती है। अगर आप इसके ऊपर प्रो मैग्नम यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपको 370, 380, 390 तक FPS दे सकती है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लिए स्कोप कौन सी अच्छी है, क्या आपको इसके ऊपर स्कोप लगानी चाहिए भी या नहीं लगानी चाहिए, तो दोस्तों आप इसके ऊपर अगर स्कोप लगाने के शौकीन हैं तो स्कोप लगा लें। ओवरऑल अगर आप इसके साथ ओपन साइड से हंटिंग करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता कि आप इसके ऊपर स्कोप लगाएँ। तो दोस्तों अगर आप स्कोप लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके ऊपर गैमो की 340 लगा लें या 432 लगा लें। ये तकरीबन आपको 3000 से लेकर 4000 के दरमियान दोनों में से एक स्कोप मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसके लिए पैड्स कौन से अच्छे हैं, दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो मैग्नम यूज़ करें या गैमो मैच यूज़ करें। तो इसके अलावा अगर आप गैमो मैच या गैमो प्रो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते इनमें से कोई भी पैलेट्स, दोस्तों आप अरानी जेट्स यूज़ करें, ये पैलेट्स इसके लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें कि ये कितने यार्ड तक आपको डेड शॉट दे सकते हैं, कितने यार्ड तक आप इससे हंटिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इससे तकरीबन 15 यार्ड तक आसानी से हंटिंग कर। दोस्तों अगर आप एक अच्छे शूटर हैं तो आप इससे 20 से 22 यार्ड तक भी हंटिंग कर सकते हैं, मगर जिस प्राइस टैग में ये आती है तो दोस्तों इससे 15 यार्ड तक हंटिंग करना ही मुमकिन है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ज़्यादा रेंज में एक अच्छा शूटर ही इससे हंटिंग कर सकता है। तो दोस्तों क्या ये एयरगन आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि जिस प्राइस टैग में ये आ रही है बहुत ही अच्छी एयरगन है, आपको लाजमी ये ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए दोस्तों 10,500 रुपये भी डिलीवरी प्राइस है इसकी, हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों कोई बंदा इंटरेस्टेड है इसको ख़रीदने में तो हमसे रब्ता कर सकता है, नंबर आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है, इसे सेव करें, कॉन्टैक्ट करें और हमें बताएं कि हमें यहाँ पर ये एयरगन चाहिए। तो हमको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस बजट में ये आती है बहुत ही अच्छी एयरगन है, आप लाजमी ख़रीदें। ब्रेक बैरल भी है और 0.22 में है, सेफ्टी लॉक भी मौजूद है, मेटल का बना हुआ है इसका ट्रिगर। इसके अलावा काफ़ी अच्छी एयरगन है और इसका वेट भी कम है, तो इसकी इतनी खामियां नहीं है, बस एक मुझे ट्रिगर वाली खामी लगी कि थोड़ा सा वो हार्ड है, और बाकी ओवरऑल जो गन है वो बहुत ही अच्छी है, तो आपको ये एयरगन लाजमी ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू, इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।